अगर कोई कांग्रेस का होता पास देने वाला, अभी तक तो बड़े बड़े उन पे मुकदमे बन जाते, कोई धारा नहीं बची होती देश में, जो धारा ना लगी होती। ये हर संस्था को रबर स्टैम्प संस्था बनाना चाहते, देश की हर संस्था, यहाँ तक कि पार्लियामेंट को भी, संसद को भी इन्होंने रबर स्टैम्प संसद बनाने का काम किया। नमस्कार, स्वागत है आप सबका देश रोजाना में और मैं आपके साथ किरण शर्मा। संसद सुरक्षा में चूक के मामले में अगर कांग्रेस सांसद पास देता तो अब तक कानून की सारी धाराएं लगा दी जाती, ऐसा कह रहे हैं सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा। अगर कोई कांग्रेस का होता पास देने वाला, अभी तक तो बड़े बड़े उन पे मुकदमे बन जाते, कोई धारा नहीं बची होती देश में, जो धारा ना लगी होती, अभी तो ऐसी स्थिति बन जाती। तो ये तो हम तो इसी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, हम तो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है, हम लोग न्याय लड़ाई लड़ रहे हैं। शनिवार को राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, सीएलपी नेता आफताब अहमद के साथ मेवात जिले में विधायक मामन खान इंजीनियर की बेटी की शादी के मौके पर आयोजित समारोह में शिरकत करने पहुंचे। चर्चा को आगे बढ़ाएं इससे पहले आप ये तस्वीरें देख लीजिए। इस दौरान सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि संसद लोकतंत्र का मंदिर है, इसमें सुरक्षा की चूक की घटना बहुत बड़ी घटना है। इस घटना पर सभी सुरक्षा एजेंसियों की जवाबदेही बनती है और देश के गृह मंत्री को सदन में आकर इस पर जवाब देना चाहिए। कांग्रेस की यही मांग है। एक सुरक्षा, पार्लियामेंट की सुरक्षा की बड़ी चूक की घटना है और इस पे गृह मंत्री जी को, देश को जवाब देना चाहिए, क्योंकि इतनी आसानी से अगर संसद, देश की जिसके लोकतंत्र का एक मंदिर है, उस पर इस प्रकार से अगर इतनी बड़ी चूक की का घटनाक्रम घटित किया जा सकता है, तो मैं समझता हूँ कि ये जो सारी सुरक्षा एजेंसीज हैं और सारा सुरक्षा व्यवस्था है, उनको सोचने का विषय है। तो गृह मंत्री जी को जवाब देना चाहिए, हमारी कांग्रेस पार्टी की यही मांग है। सदन के अंदर आके गृह मंत्री इस पे देश को बताए इतनी बड़ी चूक की घटना के लिए कौन जिम्मेदार है। मौजूदा केंद्र सरकार लोकतंत्र का गला घोटने का काम कर रही है और तानाशाही तरीके से अपनी सरकार चला रही है। केंद्र सरकार ने सभी जांच एजेंसियों को अपने कब्जे में ले लिया है, चाहे मीडिया की बात हो या फिर देश की विभिन्न एजेंसियों की, सभी सरकार के इशारों पर नाचने का काम कर रही है, ऐसा कह रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा। सरकार लोकतंत्र का गला घोटकर अपना शासन चलाने में यकीन करने वाले लोग हैं। आज के दिन प्रजातंत्र की जो एक हम निष्पक्ष बात करते हैं कि प्रजातंत्र में जो तंत्र है वो निष्पक्ष है, वो स्थिति तो है नहीं। चाहे वो मीडिया तंत्र हो, वो सरकार ने अपने पूरी तरह से कब्जे में करने का काम किया है, चाहे वो एजेंसीज हो, जांच एजेंसीज, वो सरकार के इशारे पर नाच रही है। आप देख रहे हैं किस प्रकार से केवल विपक्ष को निशाने पे लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज देश के सभी बड़े बिजनेसमैन सिर्फ एक ही पार्टी को चंदा दे रहे हैं, ये बात SBI अच्छी तरह जानती है। भाजपा द्वारा हर तंत्र व्यवस्था का राजनीतिकरण किया जा रहा है। अगर संसद में उन लोगों को पास देने वाला कांग्रेस या किसी और पार्टी का होता तो उस सांसद पर अभी तक सभी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया जाता। चाहे वो असीम धनबल अर्जित करना काम भाजपा ने किया हो, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की सारी बात सामने आई, इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से कौन किसको चंदा दे रहा है ये केवल SBI को पता है, और लगभग देश का 95% चंदा एक ही पार्टी को जा रहा है कि दूसरी पार्टी को चंदा मिल ही नहीं रहा किसी। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी न्याय की लड़ाई लड़ रही है। भाजपा ने देश की हर संस्था, इलेक्शन कमीशन, लोकसभा, संसद और सभी जांच एजेंसियों को रबड़ का स्टैंप बनाया हुआ है,
जो सरकार के इशारों पर नाच रही है। कांग्रेस देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को 5 राज्यों के हुए विधानसभा चुनावों में जो उम्मीदें थी ऐसे परिणाम तो नहीं आए, लेकिन भाजपा से 10 लाख वोट ज्यादा देने का काम जनता ने किया है। ये हर संस्था को रबर स्टैम्प संस्था बनाना चाहते हैं। देश की हर संस्था, यहाँ तक कि पार्लियामेंट को भी, संसद को भी इन्होंने रबर स्टैम्प संसद बनाने का काम किया। भाजपा वाले कह रहे हैं कि मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा, कह रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं कोटि कोटि चारों प्रदेश के मतदाताओं का कि भाजपा ने मोदी के नाम पे लड़ा, लेकिन उसके बावजूद चारों राज्यों में मिलाकर 10 लाख वोट हाथ के पंजे पे कांग्रेस पार्टी की ज्यादा आई। बीजेपी की चारों राज्यों में वोट आई 4 करोड़ 81 लाख और कांग्रेस पार्टी की वोट आई 4 प्रदेशों में 4 करोड़ 90 लाख। तो मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ा, लेकिन फिर भी चारों प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी की वोट ज्यादा आई। मैं समझता हूँ कि लोगों ने अच्छा साथ दिया, लेकिन सही बात है कि कई प्रदेशों में जितनी उम्मीद थी उस हिसाब से नतीजे नहीं आए। इसी तरह की कुछ खास खबरों के लिए देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार।